Esha? 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 Esha, come on! Esha, what are you doing here? Kiko! तो कह कह कर मर गया कि मत भेजो लड़की को पढ़ाई के लिए बदले। अब क्या होगा? मेरी छोटी सी फूल सी नाजुक टिकू अरे जरा देखो ट्रेन आया कि नहीं। ये लो पापड़ वड़ी अचार हलवा सब कुछ तैयार है। अरे माँ अब इतने टेंशन में मैं ये सब कहाँ खाने बैठूंगा? अरे ये सब तेरे लिए नहीं टिकू के लिए है, वो सफर में जा रही है ना। अरे तो टिकू फ्लाइट पकड़ के फॉरेन जा रही है, कोई जंगल में नहीं जा रही है। जो भी हो हमें रिस्क नहीं लेना है। अरे बच्ची पहली बार जा रही है हम सबसे दूर अकेली। ओके मैं अकेली और तुम सब लगी चैलेंज। ओके ये ले पासपोर्ट। जिसे जाना हो जाए, मुझे क्या? मैं कौन हूं? वो तो अब बड़ी हो गई है ना, आंगन छोटा पड़ रहा है, आसमां छूने निकली है। तुम्हारे लिए पापड़ वड़ी अचार। चाची ये सब वहाँ कहाँ? अरे बेटा वहाँ ये सब नहीं बनता। क्यों? अंग्रेजों के वहाँ धूप नहीं होती? नहीं, तभी तो आए थे 250 साल पहले धूप सेकने। ये लो टिकू बेटा, देवी माँ का धागा, रक्षा करेगी मेरी बच्ची की। किससे रक्षा? लड़कों से। टिकू सुन, अगर तुझे वहाँ कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए ना तो उसकी फोटो चुपचाप मेरे पास भेज देना, मैं तेरे पापा को पटा लूंगा। रहने दे, वो महाराजे की बेटी नीलम है ना, 3 साल पहले परदेश गई थी, किसी गोरे के चक्कर में पड़ी, जिंदगी बर्बाद हो गई। किसकी? गोरे की? पापा। अरे जरा देखो ट्रेन आया कि नहीं। एशा तुझे तैयार नहीं होना क्या? देख फिर लेट मत होना। हाँ मम्मी, क्यों आंखें चुरा रही हो मुझसे? तो फिर क्या करूं मैं, हंसू नाचू? तुम देखो मम्मी, नो रोने धोने का प्रोग्राम ओके, वरना मैं भी रो पड़ूंगी। पापा देखो ना मम्मी को। सुधा सुधा भाई तुम खाम खाम सही कह रही है। वो टिकू तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम तो संभाल लोगी अपने आप को, लेकिन मैं कैसे संभालूंगा बेटी? देखो पापा अब आप भी रोना मत। हाँ माय डैडी स्ट्रॉन्ग गेस्ट। ओए अच्छा सुन 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 सुन, अंग्रेज लड़कों से दूर ही रहना। अगर दोस्ती करनी है ना तो किसी इंडियन लड़के से करना। हाँ वो बड़े सीधे होते हैं। ठीक है किसी सीधे को ढूंढ लूंगी। लाइफ व्हाट्स लाइफ।
घर चलते हैं। बचपन में हम सनेंसन में मिले थे और आज न्यूजीलैंड में मिले। वाह क्या जोक है सनेंसन न्यूजीलैंड। शरफ घर में सब कैसे हैं? एकदम मजे में। हरा भरा भारतीय परिवार। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं किधर? ये तू मेरे डैडी और हम बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं। हाँ। बहुत वर्षों से ये न्यूजीलैंड में हमारा बहुत बड़ा होटल है। बड़े बड़े लोग यहाँ आके गए। ये अपना बिल क्लिंटन और मोनिका लेवंस की वो भी यहाँ आके रह चुके हैं। क्या रात काटने नहीं रिबन काटने। वाओ व्हाट अ प्लेस व्हाट अ फील। कितनी बड़ी हो गई हो तुम। देखो मैं तुमसे कितनी लंबी हो गई हूँ। देखो 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 यहाँ का मौसम कितना अच्छा है। अब तो और भी अच्छा हो जाएगा। क्यों तुम जो आ गई हो। हाउ स्वीट। मैं या मौसम। स्टॉप फ्लर्टिंग हां मौसम स्टॉप इट। चलो मुझे न्यूजीलैंड दिखाओ अभी। चलो 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 शो मी द लैंड प्लीज। कम ऑन कम ऑन कम ऑन चलो लेट्स गो टू द सिटी। वाओ माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग लाइफ इजंट इट। माया 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 इनाफ इज इनाफ। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड योर मिडिल क्लास मेंटालिटी। इंडिया का बॉर्डर तो तुमने क्रॉस कर दिया लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं बदला। व्हाट इज योर प्रॉब्लम माया। आप है सिद्धार्थ आप। हाँ हाँ कह दो। हाँ हमेशा की तरह मैं ही प्रॉब्लम हूँ। रहने दीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और तकलीफ मुझे होगी। सच तो ये है कि मैं जानना चाहूंगा कि शादी तुमने मुझसे की या मेरे ग्रीन कार्ड से की। सच सुनना चाहते हैं? हाँ सुनना चाहते हैं। हाँ सुनना चाहता हूँ। नहीं सुनना चाहता यार। कह तो दिया। हाँ सुनना चाहता हूँ। ओह नो मम्मी डैडी रोज के झगड़े। सच सुनने की हिम्मत नहीं है आप में।
आप एक टिपिकल मर्द हैं। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। हाय मम्मी, हाय पापा, थोड़ा सा झगड़ा कल के लिए भी बाकी रखो, पूरी लाइफ पड़ी है। राहुल, खाना मैंने माइक्रोवेव में रखा है, खा लेना, यही ना, बस ड्यूटी खत्म। और पापा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राहुल, देख लिया आपने, धन्य हो आपकी परवरिश। आपका फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हुआ अब तक? फ्रस्ट्रेशन? अरे फ्रस्ट्रेशन तो टपक रहा है आपके चेहरे से। इसी चेहरे को देख के किसी दिन आपने शादी की थी? हाँ हाँ, तब मैं पागल था, बेवकूफ था, अंधा था। लो, आप में तीन तीन खूबियां थी और मुझे एक भी नजर नहीं आई। That is not my fault. अरे आपसे शादी करने से अच्छा होता मैं अपने आप को जूते मार लेती। लागे दू? ओफो, इना सिद्धार्थ, आपको चाहिए क्या मुझसे? आइस बर्फ दीदी, मुझे थोड़ा सा बर्फ चाहिए था। अरे यार, सचिन सेंचुरी मारने वाला है, उस पे पैसे लगाना मत। जीजा, आपको क्या लगता है सेंचुरी मारेगा? चंदर, जब दो समझदार आदमी आपस में लड़ रहे हो ना, तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। ओ, आप दोनों समझदार लोग हैं, अच्छा हुआ बता दिया आपने। चंदर, क्या फटका मारा है मामा जी? क्लीन बोल्ड कर दिया भांजा, क्लीन बोल्ड। कौन, सचिन या मम्मी पापा? राहुल, ओके, गुड नाइट। जिंदगी में एक बार भी कभी ठीक से बात नहीं की है मुझसे। Why don't you say you're fed up of me? You are a limit, Maya. आपकी ईगो की कोई लिमिट है? बर्दाश्त करिए। What do women want? मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए। मैं चुप कराऊं? आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। Maya. और यहाँ पे भी? Behave yourself. वाओ, ये इंडियन लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती है? मुझे क्या मालूम यार, मैं तो यहाँ अभी आया हूँ। अरे तू तो आया लेकिन ये गया। प्लीज प्लीज प्लीज, हाउ इज इट पॉसिबल? आई गॉट माई पासपोर्ट, आई गॉट माई कन्फर्मेशन लेटर्स, आई गॉट माई एम्बेसी पेपर्स, आई नो। ओह गॉड, नो। वेल नो, आई एम सॉरी, वी कांट एडमिट यू। प्लीज नो सर, आप तो कुछ क्या हुआ? No, मैं, no, लेकिन एडमिशन नहीं, मैं साल बर्बाद हो। अरे मेरी बात तो सुनो, इंडिया से ठेंगा, ठेंगा लाइफ करियर पैसा हो गया, बैड लक तेरा हो गया। क्या है, एक लाइन तो पूरी बोल, क्या हो गया बोल पहले। मुझे एडमिशन नहीं मिला, मुझे एडमिशन नहीं मिला। ऐशा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा, मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया। अरे सुन, अरे सुन सुन, मैं क्या बोलता हूँ, सुन। अरे लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। This is for you. This is for me. Yeah. देखो, एडमिशन नहीं मिला तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ के लड़कों की लाइन लगा दूंगा, लाइन। हाँ। अरे पढ़ने के बाद शादी करना है ना? फिर बच्चा होगा, फिर बच्चे के बच्चा होगा, फिर बच्चे के बच्चे का बच्चे। 30 साल पहले प्रॉमिस करके यहाँ लेके आए थे और मुश्किल से एक पैदा किया, वो भी ये। मॉम। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जरा चुप रहो। देखो, तुम जरा इसे समझाना, तब तक मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ, चलो। मम्मी, ओ यू आर सो प्रिटी मैन। अच्छा सुनो, तुम भगवान पे विश्वास करती हो? हाँ। वो है ऊपर, करेक्ट? हाँ। If there is a God, there will be a miracle. क्या miracle? Oh, such a pretty fly got me. It's between you and me. Okay, fine. अब तुम आँखें बंद करो। करो ना। And count. एक। See ya. I love. I love. दो। I love love. Love love. वाह, तुम जो भी हो, I love you. I love you. Mm. 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 Mm.
अगर तुम लोग ऐसी सेक्स की गंदी गंदी बातें करने वाले हो ना तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। Come on, Esha, just cheer up now. Relax. बैठो यहाँ मेरी बात सुनो। God. तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। मैंने एक बार कह दिया, मतलब सुनो तुम्हारा काम हो गया। छोड़ो। Now can I just see a smile, please? Lovely. क्या? One more. अभी आया। मैं तुम्हें यहाँ का गर्मा गर्म कुत्ता खिलाता हूँ। क्या? हॉट डॉग एक बार खाओगी खाती रह जाओगी। तुम यही बैठो, मैं अभी लेकर आया। नहीं नहीं नहीं, कोई मोटी नहीं हो जाएगी, 100% फैट थी। जस्ट वेट 1 मिनट। ओह गॉड, अमित नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी, या प्लीज कॉल हिम। ओके, एक्सक्यूज मी, दैट गर्ल, शी इज कॉलिंग यू। मी? ओके, हाय, आई एम राहुल। आपने मुझे बुलाया? नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया। लेकिन वेटर्स ने तो कहा कि आपने मुझे बुलाया। नहीं नहीं, वेटर्स को लगा कि आप... वेटर्स को छोड़िए ना, अगर आपको मैं हैंडसम और स्मार्ट लगा तो लगा, तो बुला लिया। इट्स ओके। प्लीज प्लीज, क्यों इतनी रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? मैं तो आपका ही हूँ, आई एम ऑल योर्स। देखिए, मैंने आपको नहीं बुलाया। ओह आई नो, यही कहते कहते तो सारी इंडियन लड़कियां यहाँ पर आती हैं और यहाँ के रिच एनआरआई बॉयज को फंसाती हैं और उनसे शादी कर लेती हैं। अमेरिका हो या न्यूजीलैंड, सबको यही एंट्री चाहिए। मुझे अब आपकी एग्जिट चाहिए। ओह आई नो, यही कहते कहते तो आधा अमेरिका अहमदाबाद बन गया और आधा लंदन लुधियाना, और आपके आने से ये न्यूजीलैंड भी लगता है नोएडा बन जाएगा। वैसे आप पंजाबी हो, बॉडी शॉट से तो लगता है कि आप एक खाते पीते घर की पंजाबन सोनी कुड़ी हो, दलेर दे कजन तो नहीं हो। देखिए, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। हद से ज्यादा तो आप बढ़ रही हैं, मैं तो वही का वही हूँ, कहो तो आगे आ जाऊं। यू आर टू मच। सच? ओह माय गॉड। अरे अरे, दलेर की कजन, सुनो सुनो। क्या पानी है, पानी इतना टेस्टी कभी नहीं था। ए, व्हाट अ बिग फ्लर्ट, तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है ना, इसलिए तो शर्म से पानी पानी हो गया। चलो चलो, पहले पियो। मेरी प्यास तो कब की बुझ गई। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? और वैसे भी इंडिया में तो पानी का बहुत प्रॉब्लम है ना, नर्मदा प्रॉब्लम, गंगा प्रॉब्लम, कावेरी प्रॉब्लम वगैरह वगैरह वगैरह। ए, इंडिया के बारे में कुछ मत कहना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जन गण मन झंडा ऊंचा रहे। अरे अरे, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? हाय राहुल, मीट माय फ्रेंड एशा। तो तुम इसे जानते हो? हाँ, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड, हम सब यहाँ के इंडियंस हैं। एनआरआई? एनआरआई, नॉन रिलायबल इंजन। हाँ, हाय बाय। हाय का जवाब बाय? क्यों, व्हाई? बेटा खाओ ना, थोड़ा भजिया दे ना। बस भी शिता में पन। सो ऐसा बेटी, कैसा लगा हमारा न्यूजीलैंड? अच्छा लगा ना? मैंने तो यार फॉरेन में आने के बाद मेरा स्टाइल ही चेंज कर दिया। रूस का सूस, फूस का शर्ट और लेविस का पेंट। पहले बोलना सीखो। क्या हुआ? रूस के शूज, एफएस का शर्ट और लीवाइस का पैंट। नाम चेंज किया तो क्या हुआ? चीज तो वही है ना। चीज नहीं, चीज 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 वही चीज। एक्सक्यूज मी अंकल, हेलो पापा, कैसे हैं आप? एशा, मैं ठीक हूं। आपको बेटा एडमिशन का क्या हुआ? एडमिशन हो गया पापा, हो जाएगा। कौन कौन? मुझे बात कीजिए जल्दी प्लीज। पापा ने दिखाया। अरे अरे भैया प्लीज। हेलो बेटी, कैसी हो तुम? मैं खुश हूँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं और कॉलेज भी इतना अच्छा है, मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिस कर रही हूँ। ईशा बोलिए ना जल्दी। और अगर आपको मेरी याद आए ना, तो मेरे कमरे में जाके वो टेडी बेयर है उसे किस कर लेना। अरे हटिए ना, एक मिनट मुझे चाहिए। हेलो, डोंट वरी, आपकी बेटी कमजोर नहीं है। ओ
दिन से बोल रहे हैं आ जाओ कल आओ. What is this rubbish? कब मिलेगा मुझे एडमिशन? Relax ऐशा, एडमिशन हो जाएगा. इन प्रोसीजर्स में टाइम लगता है. क्या हो जाएगा? कितना टाइम लगाते हैं लोग? जीकर तक मैं जोर से चीखूं. तुम रो, लेकिन मोबाइल की आवाज भी क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारा मोबाइल बज रहा है? मेरा मोबाइल? मेरा तो ऑफ है. मेरे पास तो कोई मोबाइल नहीं है. तो ये क्या है? क्या अजीब जगह है. कभी फूल गिरता है तो कभी मोबाइल मिलता है. हेलो हेलो, मिला एडमिशन? नहीं मिला. कौन हो तुम? वही तुम्हारा फेवरेट नेम, राहुल. प्लीज, क्या चाहिए? देखो, एडमिशन तो मिलने से रहा, इसलिए मेरी तरफ से न्यूजीलैंड में वक्त काटने के लिए एक छोटा सा फोन. मोबाइल? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा मोबाइल. अरे सुनो, इस मोबाइल से आप बेबी सिटिंग के ऑर्डर्स ले सकती हैं. यहाँ के इंडियंस के लिए पापड़ बड़ी अचार के ऑर्डर्स ले सकती हैं. धूप हो तो पापड़ सुखाओ, धूप ना हो तो पापड़ बनाओ. ये करते करते एक साल तो यूं कट जाएगा. और वैसे भी मैंने शादी के लिए अभी कहाँ सोचा है. Shut up! तुम्हारा मोबाइल ना मैं फेंकने वाली हूँ अभी. ठीक है, अगर तुम्हें जरूरत नहीं तो वापस दे दो. कहाँ तुम? तुम्हारे आस पास. मैं तुम्हारे पास हूँ लेकिन तुम्हारे साथ नहीं. ढूंढो मुझे. दिलेर की कजन ऐशा, उसकी तो आदत है मजाक करने की, और इस वक्त तो कैफे में ही होगा. कहाँ फेंकूं इसका मोबाइल? ऐशा लिसन टू मी. अरे इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मेरा पेट ऐसा खराब हो गया. क्या मजाक है? अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था. ए, तुम कौन हो? मेरा मूड ठीक करने वाले? रिलैक्स, बैठो यहाँ. ये सब अपने दोस्त है, दिस इज आवर ग्रुप. ठीक है, तो कह दो इनसे कि हम इंडियन लड़कियां ना तुम्हारी इन प्रैंक्स और बचपने से इंप्रेस नहीं होती. She's right. वैसे मैं इस भारतीय कल्चर तुम्हें बहुत गर्व है ना अपने इस इंडियन होने पर. हाँ तो क्या रखा है तुम्हारे इस इंडियन कल्चर में? ए, यहाँ बैठ के तुम्हें क्या पता इंडियन कल्चर क्या होता है? कम से कम कोई हिंदी पिक्चर देखे तो सीखो. हिंदी फिल्म उससे ज्यादा वल्गर और गंदी चीज हो ही नहीं सकती. क्या कहा? हिंदी फिल्म और वल्गर? तो सेकंड में साबित कर देंगे. कैसे? तुम किसी एक हिंदी फिल्म का नाम लो, मैं उसके नाम के आगे सिर्फ एक शब्द, सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दूंगा और वो पूरी की पूरी बल्गर हो जाएगी. ठीक है. चलो नाम बोलो. हाँ, बोलो. हम दिल दे चुके सनम. खटिए पे. राम तेरी गंगा मैली. खटिए पे. मुझे कुछ कहना है. खटिए पे. दिल है कि मानता नहीं. खटिए पे. कभी खुशी कभी गम. खटिए पे. हम साथ साथ है. खटिए पे. एक मिनट. आ अब लौट चली. खटिए पे. दिस इज गुड वन मैन. वेरी गुड मैन. देखा, हंस दिया. तुम्हारा मुंह ठीक हो गया ना? यही तो मैं चाहता था. वैसे ऐशा, एडमिशन मिले ना मिले, तुम्हें हमारे ग्रुप में एडमिशन मिल ही गया. Friends? Yeah, friends. I am Dilip. Hi. I am Atul. Hi. Hi. हम तो मिले. क्या है? खटिए पे. शाम को फोन करोगी ना? मोबाइल पे. ऐशा. आज मूड नहीं है फ्लर्ट करने को. शायद कल होगा. Hi, Christy. Hi, Christy. Looking good, huh? Hey dude, huh? You've got 95% marks, man. Yeah, man. Great. अरे यार, थोड़ी कम कॉपी की होती. अरे नहीं, करेक्ट है. देखना, इसी तरह शॉर्टकट लेते जिंदगी में कहां से कहां पहुंच जाएगा. नस नस में जीनियस है ये. Yeah, man. बस करो यार, तुम लोगों को तो मालूम है ना मैं किस तरह फास्ट हुआ हूं. अरे राहुल, क्या हुआ यार? प्रोफेसर राहुल. सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है. कहो राहुल. मुझे 95% मार्क्स मिले हैं, पर मेरे रिजल्ट्स में कुछ गड़बड़ है. 95% मार्क्स तो अच्छे मार्क्स है. अच्छे है, लेकिन ईमानदारी से मिले होते तब ना. हाँ सर, मैंने सारे पेपर्स में कॉपी की है. एक वीक मोमेंट में मुझसे गलती हो गई. मुझे फेल कीजिए सर. राहुल, मैंने अपने 25 साल के करियर में आप जैसा लड़का नहीं देखा. सच. सर, मैं यूनिवर्सिटी और अपने पेरेंट्स को चीट करके पास तो हो जाता, लेकिन फिर हमेशा के लिए अपनी नजरों में फेल हो जाता ना. अमेजिंग. He cheated in the exam and he's admitting it. Great. I think these Indian kids have great honesty. I'm sorry, sir. Pass. Excuse me, sir. Sir. अरे, क्या हुआ बताइए. Sir, please, sir. बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ. Finalist में भी मेरा नाम नहीं है. Sir, please, मेरा admission का कुछ कीजिए.
I'm sorry, सारी सीटें भर चुकी हैं। अब एडमिशन मिलना मुश्किल है। Just a minute. Is she from India too, like Rahul? Yes, sir, पक्का इंडियन। Yes, principal. A very deserving candidate, but we then could... we must give her admission. Indian kids have honesty and character. Yo, तुम्हें मिल गया एडमिशन। Thank you. My pleasure. थैंक यू हमें नहीं उस राहुल से कहिए उनके वजह से आपको ये सीट मिली है थैंक यू वेलकम टू आवर कॉलेज ऑल द बेस्ट राहुल अरे पढ़ाई में क्या इतनी ऑनेस्टी है डोंट बी रिडिकुलस पागल है क्या तू ऐसा खुद जाके कोई बोलता है क्या मुझे फेल करो मुझे प्लीज फेल करो व्हाट मैन राहुल दैट्स द वे आई एम राहुल सुनो 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 अरे 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 इतने खुश क्यों इंडिया वापस आ रही हो क्या Thank you so much. पता है प्रिंसिपल साहब ने मुझे एडमिशन तुम्हारी वजह से दिया You're just too good, you're just too great. Hey, तुम जानती नहीं मैं बहुत बुरा लड़का हूँ तुम अच्छे हो और सच्चे भी हो I'm very impressed with you. Can I take you out for a party, please? अरे अरे रहने दो होगा यूं कि पार्टी पर ले जाने के लिए तुम हमें बाहर ले जाओगी साथ साथ चलना फिर हाथ पकड़ना और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ जाएंगे तुम शर्मा के मुस्कुराओगी और तुम जान बूझ कर हंसोगे और फिर हम एक डिस्को या पब में घुस जाएंगे और वहाँ पे म्यूजिक डांस पैशन तुम्हारी आंखें तुम्हारे होठ मेरे होठ से और फिर सिर्फ तुम और मैं यस अकेले में साथ साथ यू मी एंड तन्हाई अकेले में बस 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 अब आगे बढ़ मना अभी रोका है तभी नहीं रोक पाओगी इसीलिए कहता हूँ सोच लो इसमें सोचने की क्या बात है तुम मेरे दोस्त तो बन सकते हो ना ऐशा यही तो मेरी प्रॉब्लम है मैं रिश्तों से डरता हूँ बिलीव मी किसी से कुछ कहना चाहूँ भी ना तो नहीं कह पाता सच ठीक है मत कहना लेकिन अगर मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ ना तो कॉलेज के पीछे जो लेक है उसके पहले पेड़ की पहली डाली पर इसे बांध देना मैं तुम्हारा जवाब समझ लूंगी बाय पता है तुम आओगे Thank you.
दिल ने कहा क्या तुमने सुना क्या दिल ने कहा क्या तुमने सुना बारे में बताओ ना मुझे फास्ट म्यूजिक अच्छा लगता है आई लाइक बीट्स फास्ट बीट्स जैसे 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 क्या जैसे तुम्हारी हार्ट बीट्स तबाक तबाक स्टॉप इट राहुल अरे तुम्हारी हार्ट बीट्स मैं कैसे रोक सकता हूँ मैं तो म्यूजिक की बात कर रही थी तुम कभी कभी बहुत ब्यूटीफुल लगती हो जैसे तुम्हारी आंखें तुम्हारे होंठ गला और वो बस 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 अब आगे मत बढ़ना यू वेरी फास्ट मिया आई लाइक सॉफ्ट बॉयज सॉफ्ट म्यूजिक ये है ब्रश तुम्हारा है हाँ डैंड्रफ तो नहीं है ना नहीं मुझे क्या हे वी जस्ट फ्रेंड्स अरे नहीं 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 अंकल आ गए उठो अरे उठो अरे क्या हुआ म्यूजिक सुनना अच्छा होता है ये सूज किसके हैं राहुल राहुल के ये राहुल कौन है मेरा फ्रेंड क्या छे अंदर है अंदर क्या कर रहा है
अंदर है, कबाट में बाजू 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 अंकल प्लीज अंकल राहुल हेलो हेलो सर कौन हो तुम भाई राहुल ईशा ने बताया ना आप बता अंदर क्या कर रहे हो ईशा का कोई खड़ूस अंकल आया है उससे छुपाओ वो खड़ूस अंकल मैं हूँ Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Esha, लगा तो नहीं? अंदर से ही बात करोगे क्या? आपका घर है, आप भी अंदर आ सकते हैं. जगह है. अंदर सोना बात लेना है क्या? चल निकल बाहर. निकल बाहर. Okay, okay, okay. Hi, hi. तू मेरे घर में ऐसा के साथ क्या कर रहा है? कुछ नहीं अंकल. हाँ, कुछ हो सके इससे पहले तो आप आ गए ना. तो फिर ठीक है. क्या? हाँ अरे अंकल मैं ईशा को सिर्फ घर छोड़ने आया था ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हैं छी छी इस उम्र में भी क्या क्या सोचते हैं आप मैं तुझे बोल के रखता हूँ मेरी गैरहजरी में तू इस घर में नहीं आएगा यानी नेक्स्ट टाइम आपके सामने ही चल चल बाहर नहीं नहीं अंकल मैं उसे छोड़ देती हूँ तू इसे नहीं छोड़ेगी इसे मैं छोड़ूंगा और तू इसे छोड़ेगी हमेशा हमेशा के लिए और तू इस घर में कभी नहीं आएगा चल मैं हूँ झुम 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 रू पकड़ घूमू बन के घुम रू मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से घर आ गए तुम्हारी बातों पे धूल उड़ाता चला एडली एडली ओ यूडली एडली एडली ओ यूडली एडली 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 क्या कि किशोर कुमार का गाना और भारत का राष्ट्रगीत इन्हें कभी आधे छोड़कर नहीं जाते पूरा सुनने दो ओके इंडियन इमोशन समझे क्या है बाय द वे आपको सांप पालने का शौक है नहीं फिर किसी कुंवारी ब्यूटीफुल लड़की की जिम्मेदारी क्यों लेते हो क्या पछताओगे बट यू ड्राइव वेल हाल कैसा है जनाब का मैड बॉय कम ऑन माया ग्रो अप माया माया मैंने सिर्फ इतना पूछा कि इतनी बड़ी रकम बैंक से क्यों निकाली लड़का खराब हो जाएगा आपके पैसे आपका अकाउंट आपका बेटा आपका घर आप कहे तो आपका घर भी छोड़ के चले जाऊं मैंने कब ऐसा कहा आपने ऐसा ही कहा मैंने बिल्कुल नहीं कहा दीदी फ्रिज में सोडा है बाथरूम में फिनाइल है जाके पी लो ओके मरोगे नेवर देखो माया मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करने के मूड में नहीं हूँ नीदर एम आई इन दैट मूड तो सो क्या व्हाट तुम बोलो ना यू से तुम दोनों लड़ रहे हो केंद्रीय अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़ रहे हो चंदर अंदर ए यिप्पी ओके ओके टेल मी कहना क्या चाहते हो स्टॉप इट ओ मम्मी आई एम सो हैप्पी टुडे मम्मी ओ पापा आई एम सो हैप्पी आई एम सो हे वन सेकंड आप लोग रुक क्यों गए कंटिन्यू लड़ते रहिए टुडे आई डोंट केयर क्योंकि आज मेरा खोया हुआ मूड मुड़कर वापस आ गया यस ए क्या हुआ इसे लगता है इसे प्यार हो गया हाँ मेरे पे गया ना आप पे फिर क्या प्यार करेगा वो अरे तुझे क्या पता एक जमाने में लड़कियां खून से चिट्ठियां लिखा करती थी मुझे अच्छा है उन लड़कियों ने आपसे शादी नहीं की वरना खून के आंसू रोती तुम्हें प्यार नहीं करता अपने आप से पूछो माया मैं झगड़े के मूड में नहीं हूँ मैं भी झगड़े के मूड में मुझे क्या पता ओहो ये बड़े लोग बड़े कब होंगे यार एक बार तो मुझे चैन से जीने दो आई एम फेड अप ऑफ यू अगर राहुल घर में दो कहानी मैं हंसू या रोऊं अरे 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 हाय गुजू भाई तुम डर गए ठीक तरह से पेश आना हमारे साथ है आज मैं यहाँ चीफ गेस्ट हूँ चीफ चीफ चीफ
कुछ करना पड़ेगा। हाँ मिस्चीफ। कांग्रेचुलेशंस। वेल डन मैन, वेल डन, वेल डन। अटेंशन प्लीज स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू टू मिस्टर पटेल who's become a very important donor to our college. He's just given us $1 million and I would like to ask him to say a few words to us. Mr. Patel. Yay! Thank you, thank you. I can speak English, but I want to speak in Hindi for my Indian students, you know. What is this? Ye sirf college ka naam nahi hai. Ye sirf kapde ka banner nahi hai. ये तो और कुछ है। जरा इसे देखो, इसे देखो, जरा ध्यान से देखो। है ना, है ना, है ना, जरा अलग सा है, कुछ और है, है? I know. तुम सब लोग इसे चाहते हो। मैं भी इसे चाहता हूँ दिलो जान से। क्या है, मैं कॉलेज में कभी गया नहीं ना, इसलिए इसकी वैल्यू मुझे ज्यादा है। आज तक मैंने इसके लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं, बहुत किए हैं, किए हैं, किए हैं, और भी करूंगा, लुटा दूंगा, कुछ लुटा दूंगा। अरे मैंने के मेरे बाप ने भी इसके लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं, मेहनत की है, इसलिए आप सब लोगों को भी इसके पीछे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात। ये मेरी वाइफ है, ये भी इसे चाहती है बचपन से। ये सब हम लोगों की जीने का मकसद है, मोटिव है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इसे प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। Great. What a speech. What a speech. Hard luck. Sir, one more. Mad boy. One more. Mr. Patel. Mad boy. Mr. Patel. Oh, no. Really, Samantha bhi has rahi thi. Kya hai ye sab? Bahut gande ho tum, ha? अगर तुम ऐसे रहोगे तो बोलो कौन सी अच्छी लड़की तुमसे शादी करेगी? शादी? Are you mad? I hope so. हाँ हाँ, कोई नहीं करने वाली तुमसे शादी। सिर्फ मैं करूंगी। Welcome, Mrs. Hello. James. Thank you very much for coming. Nice party. What? Thank you. Anji. Rahul कहाँ है? 25 साल की शादीशुदा जिंदगी की कब्र पर मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। मैंने उसे कह दिया है कि मेहमानों से ठीक तरह पेश आए। ए राहुल, घर में पार्टी है, इस खुशी के मौके पर ये उदास चेहरा, स्माइल थोड़ा और करना। ब्यूटीफुल, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, शादी करोगी मुझसे? सॉरी सर, मेरी शादी हो चुकी है। ओह नो, आज मेरा चाइनीज खाने का मूड था यार। सरप्राइज, लो मैं आ गया। राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये दिन, खुश लग रहा हूं ना मैं? राहुल, बिहेव योरसेल्फ। सी, आई एम हैप्पी। पापा, आप ही ने तो कहा था ना कि मुझे इस पार्टी में खुश दिखना है। देखो देखो, मैं कितना खुश दिख रहा हूँ। कैन यू सी, खुशी के फिंगरप्रिंट्स मेरे चेहरे पर दिख रहे हैं। राहुल ने क्या सबके सामने मजाक लगा रखा है? ओह नो मम्मी, आप समझे नहीं, मैं तो इस सीरियस बोरिंग पार्टी को रंगीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वाकई खुश हूँ। And I'm a happy, 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 happy son. Oh, I'm so lucky. आज भी मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि क्या कहूँ? मुझे प्यार करने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन क्या हर फैमिली इतनी लकी होती है?
मिस्टर मिसेस चोपड़ा, आप दोनों पति पत्नी में झगड़े हुए हैं? मतलब कि वो कहते ना कि अगर घर में दो बर्तन हो तो वो टकराएंगे, तो क्या वो टकराते हैं? हाँ, कभी कभी तो टकराते हैं। टकराते हैं ना, लेकिन मेरे घर में बर्तन कभी नहीं टकराते, क्योंकि वो कप के टूट चुके हैं। आज मैं बहुत खुश हूं। यस, आई एम द हैप्पीएस्ट सन टुडे, सो प्लीज एंजॉय दिस पार्टी, हैव अ ग्रेट टाइम। म्यूजिक। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मेरा ड्रामा तो सिर्फ 5 मिनट का था, आप दोनों का 25 साल का है। बाहर तो हैप्पी पति पत्नी का दिखावा करते रहे और अंदर घुटन। क्या पाया आपने ये सब करके, क्या पाया? तुझे पाया बेटे, तुझे। चल बाय अमित, बाय। दिलीप, व्हाट अ बेब मैन, आई स्वेर यार, आई स्वेर, इसको कितना भी पटाओ ये किस नहीं देगी। मैन, शी इज ड्राइविंग मी क्रेजी मैन। हे, What's happening? Nature. I love nature. I love trees. Expressing my love to the tree, sir. उसका नेचर ही ऐसा है सर। Be careful with the tree, though. Indian kids. Tree माता। दिल की बात बताने जा रहा हूँ, बचा लेना। ऐशा, ऐशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं नहीं, पीछे नहीं मुड़ना, वरना मैं कह नहीं पाऊँगा। I know कि हम बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ। आई एम इन लव विथ यू। देखो, अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, बस यूं ही चलती रहना, मैं समझ जाऊँगा। लेकिन अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो सिर्फ एक बार मुड़ के देख लो, मैं समझूंगा कि तुम्हारा जवाब भी हाँ है। हाँ, आई लव यू, आई लव यू टू। क्या है ये? क्या, तुमने कुछ सुना नहीं? नहीं, मैं तुमसे कुछ कह रहा था। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अमित, मुझे ना एक लड़की को सरप्राइज देनी है, कोई आइडिया दो ना, प्लीज बताओ ना क्या करूँ, कुछ रोमांटिक आइडिया दो ना। तो मैं काम करो, कल हमारे कॉलेज का सोशल्स है, हम लोग वहीं मिलेंगे, अपने दिल की बात भी तुम वहीं बता देना। मैं नाम शो, लड़का भी तुम्हें चाहता होगा। सच? अमित, यू आर टू स्वीट, थैंक्स। मुझे पहले पता होता तो मैं कब की पार्टी रखवा देता। क्या हुआ? ये जो अभी तुझे बुलाने आई थी वो तेरी गर्लफ्रेंड है ना? गर्लफ्रेंड है नहीं, थी। थी का मतलब? अरे मैंने उसे छोड़ दिया यार। छोड़ दिया? क्यों? अरे क्यों किया यार, 2-3 दिन साथ रहने के बाद पता चला कि वो वर्जिन है। कुंवारी? बिल्कुल कुंवारी। तो अच्छी बात है ना, वर्जिन है, कुंवारी है। अरे अच्छी बात क्या यार, जो दूसरों के काम ना आ सकी अपने काम क्या आएगी यार। हे गाइस, this is for you. Hey, Rahul, what happened?
ईशा, ये फेंक क्यों दिया? बात मत करो मुझसे। क्यों? पता है, स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए रेड ड्रेस बनाई, लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो उस लड़की के होठों के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं तुम्हें लाइक करूं या ना करूं, तुम्हें क्या? मेरे कमरे में एक टेडी बेयर है और जब भी मैं उसे बात करती हूँ तुम्हारे नाम से पुकारा करती हूँ, लेकिन तुम्हें क्या? जब भी तुम मेरे पास आते हो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, देखो, लेकिन तुम्हें क्या? ईशा, मैं तो जून महीने के तीसरे सोमवार को हिरन के आसपास शाम के वक्त 90 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में न्यूजीलैंड के झील के किनारे अगर कोई रोता है ना तो वो अच्छी बात नहीं होती, बहुत बड़ा अपशगुन होता है। किसने कहा ऐसे? तुम्हें नहीं पता? वो मैंने कहा है। ईशा, come on, let's go to the party. नहीं नहीं, मुझे नहीं आना पार्टी में, तुम जा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हो? नहीं, मैं तुमसे बहुत रूठी हूँ। ईशा, 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 एक लड़की बेकरार है, करार है, करार है, रूठे बार बार है, बार बार, बार बार, बार बार, झूठा गुस्सा सच्चा प्यार है, प्यार है, प्यार है, अब आगे क्या कहूँ, आज सोमवार है, सोमवार है, come on ईशा, ईशा। क्या 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 ऐशा, कहूँ मैं क्या 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 ऐशा, ताजा ताजा बहका बहका मामला जबरदस्त, तेरी अदाई है मस्त, ताजा ताजा बहका बहका मामला जबरदस्त, तेरी अदाई है मस्त, चल चलेंगे चांदनी में छोड़ ताजा ताजा बहका बहका मामला जबरदस्त, हाँ तेरी अदाएं है मस्त, चल चलेंगे चांदनी में छोड़ के लगा कत, ओ तेरी अदाएं है मस्त। Me sola, mai tu satra, simple
नीचे आजा पीछे प्यार है जरूरत ओ तेरी अदाएं है मस्त ताजा ताजा बहका बहका मामला जबरदस्त ओ तेरी अदाएं है मस्त चल चलेंगे चांदनी में छोड़ दे नजाकत हाय तेरी अदाएं है मस्त ताजा ताजा बहका बहका मामला जबरदस्त दो तीन चार पांच क्या गिन रहे हो तारे गिन रहा हूँ कितने हैं 7,77,007 लेकिन इनमें दो कम है वो कैसे क्योंकि वो दो तारे तुम्हारी आंखें जो हैं अब तुम क्या गिन रही हो देख रही हूँ दुनिया में कितने पागल हैं कितने 5,55,005 उनमें से एक कम है लेकिन वो कौन है तुम अच्छा मुझे पागल कहा तुम ही तो मेरे पीछे पागल हुए हो अच्छा मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ अभी दिखाता हूँ एशा ये तुम्हारी पहली किस है तुम्हारी हाँ मेरी भी तुम्हारे साथ हाँ बाकी तो मैंने बहुत बार बड़े किए क्या स्टुपिड राहुल ऐशा भाई मजाक कर रहा था राहुल राहुल नो नो राहुल बस बस आप बस करो अरे यार तेरी प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है यार मैं शादी के लिए लड़की देखने गया था तो उसकी माँ के प्यार में मेरे डैडी पड़ गए अब वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो करने देना शादी इसमें प्रॉब्लम क्या है अरे प्रॉब्लम कैसे नहीं है यार अगर उन दोनों ने शादी कर ली तो मैं अपनी होने वाली सास को सास कहूंगा या माँ कहूंगा यू गॉट अ चॉइस अच्छा और फर्ज करो अगर उनको बेटा होता है तो वो मुझे भाई कहेगा या जीजा कहेगा अगेन यू गॉट अ चॉइस और सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है दिलीप की मेरी होने वाली बीवी जो अब उनकी बेटी बन गई है मुझे भैया कहेगी या सैया कहेगी हाँ भाई तू डिसाइड कर ले तू शादी करना चाहता है या राखी बनवाना चाहता है ऑब्वियसली मैं शादी करना चाहता हूँ यार देख तो यार जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले क्या है शादी तू लाइफ में सिर्फ एक बार कर सकता है लेकिन राखी तू पूरी लाइफ बनवा सकता है यार क्या मस्करी कर रहा है यार मैं शादी करना चाहता हूँ फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ भड़कूंगा नहीं तो क्या करूंगा एक मिनट तू एक बता ये सब में तेरी माँ क्या कहती है मेरी माँ है नहीं इसलिए तो डैडी दूसरी शादी कर रहे हैं अरे तेरी होने वाली सास हाँ हाँ वो अपनी बेटी की कसम देके बोल रही है रास्ते से हट जाओ हमें शादी करने दो और तेरी बहन अबे बहन है क्या मेरी बहन है मेरी बहन है मेरी अरे यानी तेरी होने वाली बीवी हाँ वो अपनी माँ की कसम देके बोल रही है रास्ते से मत हटो मुझसे शादी करो अरे लेकिन अभी अभी तो बोला तेरी माँ है नहीं अरे मेरी माँ ने उसके माँ की कसम देके बोल रही है उसके माँ की कसम देके बोल रही है अच्छा ठीक है तू भड़कता क्यों है भड़केगा नहीं तो क्या आदमी सामने बैठ के समझ में नहीं आ रहा भड़केगा नहीं अच्छा तेरी समझ में आता है क्या नहीं हाँ तो एक काम कर तू एक पेपर ले एक पेन ले और तुम चारों बैठ के तय करो कि आपस में तुम लोग क्या रिश्ते से एक दूसरे को पुकारोगे क्या घर के अंदर अंधेरे में एक दूसरे को माँ बाप भाई जो भी बोलना बोलो हमको कोई टेंशन नहीं है करेक्ट लेकिन घर के बाहर पैर रखा यू हैव टू बी वेरी क्लियर क्योंकि हम संस्कारी लोग ये सब नहीं चलाएंगे भाई अरे वही मैं रात को कर रहा था मैंने अपना फैमिली ट्री निकाला हाँ। तो उसमें मैं ही मेरा बेटा बनकर मेरे सामने आया हाय डैडी अरे यार इसके प्रॉब्लम पर हम टीवी सीरियल बना सकते हैं हाँ, बेटा भी कभी दामाद था क्योंकि उसकी माँ ने और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है अभी क्या सीरियल वो प्रोड्यूस करना चाहती है अरे नहीं यार तेरे को सीरियल की पड़ी है या मेरी शादी की पड़ी है ये सब होने के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया है अरे यार तो कब से क्या इतना मगजमारी कर रहा है ये भी यार बुरा तो लगेगा ना ऐसा परिवार देखा है कभी जिसमें एक ही आदमी जो बेटा भी है बाप भी है जीजा भी है साला भी है सास भी है बहू भी है एक ही रात में बिखर गया बुरा तो लगेगा ना जब थे तो उसकी कीमत नहीं थी अब नहीं है तो बुरा लग रहा है इसीलिए कह रहा हूँ तुम लोगों को शादी के लफड़े पढ़ो ही मत सुखी रहोगे नेक्स्ट टाइम ट्राई करना राहुल तुमने आज का न्यूज़ देखा नहीं सीएनएन तो देखा होगा नहीं बीबीसी क्या हुआ वी न्यूज़ तो देखा होगा नहीं बाबा आज तक
नहीं देखा। मतलब तुम्हें पता नहीं आज क्या हुआ? तुम बताओ तो क्या हुआ? ओहो, पूरी दुनिया को मालूम है क्या हुआ, तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम बताओ तो सही क्या हुआ? यही कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या? मेरे साथ ड्राइव पे चलोगे? You drive me mad. Let's go. आजादी, खतरा, सरप्राइज, दैट्स मी। बट राहुल, आई लाइक सिक्योरिटी, कमिटमेंट, रिश्ते, फैमिली, बंधन। कितनी क्यूट हो तुम, जैसे कि परियों की कहानियों से निकल कर आई हो। पता है राहुल, बचपन में ना मैं हमेशा एक सपना देखती थी। तुम्हारा बचपना गया कहाँ है? सुनो ना, मेरी शादी ना दुनिया से एकदम अलग होगी। मतलब? मतलब पंडित जो पोपट जैसे मंत्र रटते हैं ना, हाँ? वो सब नहीं होगा मेरी शादी में। तो फिर कैसे होगी? पति पत्नी जो सात कसमें खाते हैं ना कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को खुश रखेंगे, एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे, उन सात कसमों को हम खुद लिखेंगे अपने मन से। चार कसमें तुम लिखना और तीन कसमें मैं लिखूंगी, ओके? तुम सात दिन की दोस्ती में कहां से कहां पहुंच गई? सात वादे, सात कसमें, सात जन्म, ये सब क्या है? यहाँ तो सात दिन भारी पड़ते हैं। राहुल, यू डोंट लव मी ना? ईशा, ये प्यार मोहब्बत बहुत अजीब बातें हैं। देखो, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन कल लाइफ हर पल बदलती है। मतलब? ईशा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम दोनों में कौन सी फीलिंग्स हैं। शायद अभी इस पल हमें सब बहुत अच्छा लग रहा हो, कल शायद अच्छा ना भी लगे। चलो अपने प्यार को चेक करते हैं। वो कैसे? ईशा, तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने तक एक साल के बाद देखेंगे कि प्यार है या एक अट्रैक्शन या एक छोटा मोटा क्रश तो नहीं। क्रश? कितने मैच्योर की तरह बात करने लगे हो ना तुम। ठीक है, तुम्हारा प्यार सच्चा हो या ना हो, मेरा प्यार तो पक्का है। देख लेना, एक साल इस आइसक्रीम की तरह यूं पिघल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, she like this? कैसे कटेगा एक साल? वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि आजकल खुद से ज्यादा मैं उसके बारे में सोचता हूँ। हर पल। Why? क्यों? तुम्हें क्या लगता है, एक साल बाद भी वो मुझे इतनी अच्छी लगेगी? सोचने दो यार, मन में। कमाल है, प्यार में पुतले भी बोलने लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है, एक साल में हमारा प्यार पक्का हो जाएगा? तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? हाय, वो रातों का जागना, पेट में ना तितलियां उड़ने लगती है, दुनिया दुनिया घूमने लगती है। सफेद पुतले, प्यार, इश्क, प्रेम, तुम नहीं समझोगे, बेखुदी, आरजू, ओह, लेकिन तुम नहीं समझोगे। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे, काम का। अलविदा। आ गए। अरे राहुल, इतनी मेहनत से सर्टिफिकेट मिला है, उसकी पुंगी क्यों बना रहे हो? अरे यार, डिग्री का सर्टिफिकेट हो या शादी का सर्टिफिकेट, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, ये सब कागज से टुकड़े हैं। अरे तो लाइफ में तू करेगा क्या? पैसे कमाऊंगा। कैसे? तेरे पास $100 है? 100 नहीं, 50 है। दे। अरे दे रहे, जल्दी दे रहा हूँ भाई। वापस कब करेगा? वापस किस लिए?
किसके लिए क्या है? उधार दिया ना 50। अरे मैंने तुझसे कितने मांगे? 100। और तूने कितने दिए? 50। तो तुझे मुझे और कितने देने हैं? 50। और मुझे तुझे और कितने देने? 50। तो हुआ ना हिसाब बराबर? 50 लेने, 50 देने, इक्वल हो गए ना? यार तू जानता है मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है, तू डिग्री पे मत जा यार। इस पे नहीं जा रहा हूँ। हाय। हाय, लुकिंग हॉट। हाय। आई मिस यू यार। टेक केयर एशा। जा रही हूँ इंडिया। आई मिस यू लॉट। लेकिन अगले महीने मैं और मेरी फैमिली इंडिया आ रहे हैं। जल्दी आना मेरे पास। अच्छा राहुल तुम मेरे लिए क्या लाओगे? रोम से रसगुल्ले, लंदन से लड्डू, चाइना से चमचम, जर्मनी से जलेबी और कनाडा से। अच्छा बाबा बस 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 बस। और तुम? तुम क्या तोहफा दोगी मुझे? दिल्ली का दिल, मुंबई की मोहब्बत, चेन्नई की चाहत और पंजाब का प्यार। जल्दी आना वरना मैं किसी धोबी से शादी कर लूंगी। हाँ प्रॉमिस। मैं भी करूं? नहीं आज नहीं, आज नहीं, ये डिग्री की कसम प्लीज। तू मत करा, मैं करता हूँ। एशा क्या हज़रत, तुम्हारे अंकल को हार्ट प्रॉब्लम है? नहीं तो। लेकिन मैं दे सकता हूँ। कैसे? क्योंकि आज आखिरी बार तुम्हारे जाने के पहले मैं तुम्हें किस करूंगा सबके सामने। राहुल मैड बॉय, कंट्रोल। अंकल उसने मुझे रिक्वेस्ट किया। अरे रिक्वेस्ट पूछे अमा, पब्लिक में पप्पी ली थी। अरे पागल थे जो की चोकरो। पागल कह का? उसने जितना पब्लिक में करके दिखाया मैं तुम प्राइवेट में करके तो दिखाओ। कंट्रोल। चलो 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 चल। बाय राहुल, आई मिस यू, सी यू इन इंडिया। बाय सा, बाय, सी यू। हे मेरे लिए आप इंडियंस कितना बोलते हैं? अच्छा हम इंडियन और तुम कौन? फॉरेन रिटर्न। दादी ये नाइटी आपके लिए। हेलो। एक बात बता बेटी, वहाँ ठंड बहुत होती है क्या? दादी वहाँ इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है कि गाय ना दूध नहीं सीधा आइसक्रीम दे देती है। अच्छा बेटा सुना है वहाँ बूढ़े लोग बहुत रोमांस करते हैं। दादू अगर आप वहाँ होते तो आप तक 4-5 शादी तो कर ही लेते। अरे इसके सामने मत बता, ये मुझे कभी सुखी नहीं दे सकती। अच्छा सुन, अगर मैं वहाँ कुछ हेल्थ क्लब जिम वगैरह खोलूँ तो मेरा क्या चांस है? कल जुलाब हुआ था ना, पेट ठीक हुआ? अच्छा ये बता इससे प्यार व्यार हुआ कि नहीं? कोई बॉयफ्रेंड वगैरह बना कि नहीं? मेरा फोन। अरे अरे एशा इसका फोन है। हेलो एशा, ये बार बार तुझे किसके फोन आ रहे हैं? कुछ तो बात है जरूर। नहीं मम्मी। हाँ तुम कुछ बदली बदली से लग रही हो। आई स्वेयर मम्मी किसी का फोन नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा आगे क्या सोचा है? पापा के साथ बिजनेस पे जुड़ना है या फिर शादी करनी है? क्या चाहती हो तुम? मम्मी इस वक्त तो मैं सिर्फ तुम्हारी गोद में सिर रख कर सोना चाहती। अच्छा अच्छा। ईशा इंडियन क्रिकेट टीम इंडीज के दौरे से आज अपने देश वापस लौटी है। हेलो हमारे महान बल्लेबाज तेरा फोन है सचिन तेंदुलकर ने दूसरे टेस्ट। हेलो हेलो ईशा किसका फोन है? सु 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 नहीं 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 तुम्हें नहीं। अच्छा बोलो तुम कब आ रहे हो? आई एम सॉरी ईशा, वो बात है कि डैड अपना बिजनेस अमेरिका शिफ्ट कर रहे हैं, अब हम वहीं रहने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि अब मैं इंडिया आ पाऊंगा। राहुल तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? अरे ईशा नहीं लगता कि अभी एक साल तक इंडिया आ पाऊंगा। What to do? अब हमारे रास्ते अलग हैं ईशा। काश मैं इंडिया आ सकता, but सब नसीब की बात है। Stupid idiot! तुम इंडिया आ चुके हो ना इस वक्त? एयरपोर्ट पे हो ना? मैं तुम्हें टीवी पे देख रही हूँ इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। अच्छा तो मुझे पकड़ लिया। Now come to the TV screen and you have to kiss me, kiss me, mwah, mwah, kiss me, kiss me, kiss me, kiss me, kiss me, mwah, kiss me, come on Esha, mwah, kiss me, come on Esha. Esha, Esha,
बेटा ये टीवी के साथ क्या हो रहा था? पापा पापा वो जेट लैग हम जट लोग हैं, हमें जट लैग नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये इंडिया की टीम है जो खेल के वापस आई है। बेटा ये जीत के आई है हार के? वो ही देख रही थी पापा। हार के ही आई होगी भैया। नहीं विशु, कभी कभी जीत के भी आती है। चल गुड नाइट पापा। हेलो। हाय डूड। हाय, हु इज दिस? डू यू फील लोनली? मी? हाँ एकदम। तुम कौन हो बेबी? You're so handsome. बचपन से? Try me out. You're so hot. Do you have a girlfriend? हाँ, वैसे आजकल तो एक ही है। है? Oh, she's so lucky. क्या नाम है उसका? एशा। एशा? ऐश करेगी वो तो। तुम भी मिलो ना, ऐश करेंगे अकेले में। Okay, तुम मुझसे मिलना चाहते हो? Why not? पहले नाम तो बताओ। अपना नाम बताओ? बताऊं? आवाज तो बहुत ही सेक्सी है, नाम भी सेक्सी होना चाहिए। बताऊं? बताओ ना, कम ऑन बताओ। स्टुपिड इडियट डोंकी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, तुम्हारी ईशा। ईशा? कौन है वो लड़का? नाम क्या है उसका? माँ बाप क्या करते हैं? लड़का पढ़ा लिखा तो है। कब से जानती हो उसे? जात बिरादरी खानदान, पता है उसका? बताओ। बोलो। कब से जानती हो? जवाब दो ईशा, जवाब दो। चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? बोलो। टिकू। मामा। हाँ पापा। राहुल से प्यार पता भी नहीं चला कब कैसे। चिट्ठियां मैंने लिखी थी आप लोगों को उसके बारे में, लेकिन कभी पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई ना। आप लोग पढ़ लीजिए तो मैं चलूं। पापा, आई लव यू पापा, एंड इफ यू लव मी यू लव माय लव टू। भाई आप लोग इतना सीरियस क्यों हैं? पता करो लड़का कौन है, लड़के वालों से चल के बातचीत करते हैं। लड़की को प्यार हो गया है, she is in love. यो। तो आप NRI हैं? जी 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 हाँ। नॉन रिलायबल इंडियन, दैट्स अ गुड वन। राहुल ने आपसे इस रिश्ते के बारे में पूछ तो लिया है ना? आपकी बेटी ने आपसे रिश्ते के बारे में पूछ तो लिया है ना? अरे आजकल के बच्चे कहाँ पूछते हैं माँ बाप को। कम ऑन, हम लोग मेरी शादी की बात करने आए ना यहाँ। गेट टू द पॉइंट पापा। ओके, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो हमें कौन सा ऑब्जेक्शन है? तो तारीख भी आज ही तय करें? वो आप ही कीजिए ना, हमें कोई एतराज नहीं। मुझे भी नहीं। हमें भी नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। आई ऑब्जेक्ट। राहुल स्टॉप इट। मैंने कहा ना मैं शादी नहीं करूंगा। I'm serious. राहुल please. बेटे तुम ईशा से प्यार तो करते हो ना? हाँ प्यार करता हूँ, मगर शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। पर बेटे अगर तुम ईशा को चाहते हो तो फिर शादी से इनकार क्यों? शादी? Why? क्यों? सिद्धार्थ साहब ये सब क्या मजाक है? राहुल are you okay? I am absolutely okay. और आगे भी okay रहना है मुझे लाइफ में, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये शादी वादी नहीं करूंगा। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पर तुम्हारी शादी की बात हो रही। प्लीज, मैं सात फेरे तो क्या, सात इंच कदम नहीं बढ़ाऊंगा। ईशा, मैं ना ही तुम्हें मंगलसूत्र पहना सकता हूँ, ना ही तुमसे शादी की रस्म निभा सकता हूँ। मैं शादी के खिलाफ हूँ, शादी के खिलाफ हूँ, मैं शादी शादी के खिलाफ खिलाफ। राहुल, तो मैं कहा था हाँ मैं ये शादी नहीं करूंगा। राहुल तुम जानते तुम क्या कह रहे हो? अरे अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है तो कह दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट डू यू मीन आई एम नॉट इंटरेस्टेड? मेरी बेटी कोई वाटर कूलर या एयर कंडीशनर है? जो पसंद आया तो लड़ा दो,
बेटे, बेटी जिससे प्यार किया हो उसे ये ठुकराना गलत बात है। पाप है पाप। ये लोग अपनी बेटी को हमारे घर की लक्ष्मी बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कहते, उन्हें इज्जत देनी चाहिए। मम्मी मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। एक मिनट, तुम ऐशा को चाहते हो या नहीं? लिख के दूं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि दूध चाहिए तो घर में गाय को लाकर बांधने की जरूरत नहीं, ये भी हुआ यूं। प्यार करो, शादी क्यों? मामा जी, आपने भी तो 5 साल के प्यार के बाद शादी की थी, रिजल्ट क्या निकला? 1 साल के बाद डिवोर्स, तलाक। हमारी शादी की पहले सालगिरह पर हम दोनों साथ में खड़े थे जज के सामने डिवोर्स के लिए। व्हाट अ गिफ्ट। सारा खानदान ही पागल है। पागल नहीं हूं, इसीलिए कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि शादी करके मैं ऐशा की आजादी छीन लूं। आपकी बेटी को एक साधारण बीवी बनाकर मैं अपनी प्रेमिका नहीं खोना चाहता। लेकिन राहुल, जो रिश्ता प्यार से शुरू होता है उसका अंत तो शादी है ना? यस, प्यार का अंत ही शादी है, द एंड। शादी क्या हुई, समझो प्यार खत्म। यू नो, शादी के पहले लड़का लड़की मिलने के लिए टाइम डिसाइड करते हैं, तो 1-2 घंटे पहले से इंतजार करते हैं, बस स्टॉप पे, गार्डन पे। और इन शादी शुदाओं का देखो, 6 बजे का वक्त देकर रात को 8-9 बजे घर पहुंचते हैं, कभी कभी तो पहुंचते ही नहीं है। Why? क्यों? लेकिन हमारे साथ ऐसे नहीं होगा, क्यों होगा राहुल? बच्ची हो तुम, बच्ची। सोचो, शादी अगर पवित्र बंधन है तो अग्नि के सामने लिए हुए 7 फेरे कोर्ट कचहरी के घेरे में क्यों आ जाते हैं? जन्म जन्म के बंधन की कस्मों को 1 सेकंड में ठुकरा के कहना मिलते हैं डिवोर्स के बाद, क्यों? Why? ऐशा, ये मेरे अपने विचार हैं, शायद तुम्हें या इन सबको अच्छे ना भी लगे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपने विचारों से जीना चाहता हूँ। शादी के बाद प्यार टिकता नहीं, ऐसा किसने कहा तुमसे? आपने। शादी के इतने सालों के दौरान एक बार भी आप और मम्मी ने प्यार से बात की? बस करो, ये सब सुनने के लिए बचपन से नहीं बड़ा किया था तुम्हें। कौन सा बचपन? बचपन तो गुजरा है आप दोनों के झगड़े सुनकर, और बड़ा हुआ तो ये मालूम हुआ कि मेरी वजह से आप दोनों अलग नहीं हुए। आप दोनों का त्याग तो बहुत बड़ा था, लेकिन मेरी नजरों में शादी की अहमियत कम होती गई हर पल। या ऐशा, शादी के इस ना के लिए मेरा बचपन जिम्मेदार है। ऐशा, मैंने अपने घर में शादी को हर पल मरते हुए देखा है, हर पल। माया, शादी के बाद तो आपका प्यार जैसे मर ही गया है ना, और बच्चा होने के बाद वही तुम्हारा प्यार दफन हो गया है। बर्दाश्त की भी हद होती है। मैं आपके जैसे प्रसिद्ध आदमी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। सिद्धार्थ, बात करनी है मुझे आपसे। लिख कर दे दो, पढ़ लूंगा। क्या कहा इसने? पानी मांग रहा था, तीखा लगा ना। वो क्या है ना मैडम, आप दोनों के पास आने से डरता है। 24 घंटे मेरे साथ रहते रहते मेरी भाषा बोलने लगा। बच्चा है ना, 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 बच्चा है ना। हाँ, अब भी कोई सवाल है किसी का? कोई कुछ कहना चाहता है? मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये चर्चा किस बात की चल रही है, कोई टीवी का टॉक शो है? फॉर गॉड सेक प्लीज स्टॉप इट। यस गॉड, गॉड के बनाए पेड़ पौधे जानवरों के बीच में कभी शादी होती है? क्या आप लोगों ने सुना है कि पीपल के पेड़ और जामुन के पेड़ के बीच शादी हुई हो? बरखुरदार, मैं जामुन और पीपल के पेड़ की दास्तां सुनने नहीं आया हूँ, इंसानों की बात कर रहा हूँ, अपनी बेटी की बात करने के लिए आया हूँ। तो इंसानों को ही लीजिए, एडम और ईव ने कभी शादी नहीं की थी, इसीलिए तो वो सबसे सुखी कपल था। ओ भाई आदम, तूने अपनी बात कह ली, अब मेरी बात सुन ले। ईव के डैडी, मैं आपकी बात सुनूंगा, मानूंगा, लेकिन पहले आप किसी एक आदमी के घर के आंगन की मिट्टी ले आई जिसे शादी के बाद अफसोस ना हुआ हो। सिर्फ एक आदमी। चौंकिए मत, कुछ सालों में इंडिया का हर लड़का लड़की यही सवाल करेगा, यही सवाल। आई एम सॉरी ईशा, प्यार करने से पहले ये सब सोचा क्यों नहीं? ऐशा, तुमने मुझे चाहा जरूर, मगर समझा नहीं।
मैं शादी करके तुम्हें खोना नहीं चाहता, अपने प्यार को खोना नहीं चाहता। बाय। दरअसल राहुल नादान है, छोटा है। जी हाँ, नादानी तो इसके रोम रोम से टपक रही है। विदेशों में भेजकर अगर ये शिक्षा मिलती है जो आपके बेटे ने पाई है, तो मैं दुनिया को चीख चीख कर कहूंगा कि मैंने अपनी बेटी को विदेश भेजकर सबसे बड़ी गलती की है। प्यार करना कोई गलत बात नहीं, मगर मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसा कहने वाले से प्यार करना गलत बात है। ऐसे सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? 89, 90, 91, 92। ऐशा। पापा, आप यही कहना चाहते हैं ना कि राहुल को आज के बाद मत मिलो? डोंट वरी पापा, मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगी जिसे आपको नीचा देखना पड़े। बेटा, मुझे अपने मान अपमान की चिंता नहीं है। 94, 95, 96, तुम्हारी चिंता है ऐशा। 97, 98, मुझे तुम्हारी जिंदगी की फिक्र है। पापा प्लीज, मेरा कॉन्सेंट्रेशन टूट रहा है, आप जाओ ना यहाँ से। ऐशा, मेरी तरफ देखना बेटा। ऐशा, I'm okay. ऐसा होता है लाइफ में, it happens. आप चिंता मत कीजिए, मैं जाके राहुल से बात करती हूँ। नहीं, वो लड़का समझाने लायक नहीं है सुधा। बेटे, राहुल के पिताजी आए हैं। एक मिनट, मैं ईशा से मिल सकता हूँ प्लीज? तो मैं जोड़ने आया हूं, राहुल को माफ कर दो। कैसे माफ करूं? भगवान राम ने भी तो सीता जी को दुख पहुंचाया था ना। मेरा राहुल तो फिर भी इंसान है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बहू। बेटी, मुझे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होगा नानी? हाँ होगा, होगा। यार बहुत बुरा हुआ ना। हाँ, एक रन से इंडिया मैच हार गई। अरे मैच की बात नहीं कर रहा हूँ यार, राहुल ने ईशा से शादी करने से इनकार कर दिया। क्यों? राहुल ईशा से प्यार नहीं करता? करता है। तो ऐशा राहुल से प्यार नहीं करती? वो भी करती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो क्या, प्यार करना है लेकिन शादी नहीं करनी है। किसको? ऐशा को? अरे ऐशा को नहीं यार, राहुल की बात कर रहा हूं ना यार। तो राहुल से पूछना, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? लगा नंबर +91। राहुल का नंबर है मेरे पास, दिमाग 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 का, राहुल का नंबर। तो इतना चिल्लाता क्यों यार? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ यार। तू मेरे को जरा पहले से समझा, राहुल ऐशा से प्यार करता है लेकिन शादी करके साथ में रहना नहीं चाहता। नहीं रहना चाहता। कमाल का जनरेशन है हमारा यार, कितना कंफ्यूज्ड। हाँ, अब है तो है। है तो है का क्या मतलब है? अब है कंफ्यूजन। है तो है का क्या मतलब है? अरे हाँ, ये तुम्हारा जनरेशन है। अब तुमको प्यार करना है, शादी नहीं करनी। अरे मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है राहुल? क्यों? और कोई दिखता है मेरे को इधर? जिसको मैं चिल्लाऊं? कोई नहीं है इधर। तो फिर ऐसा होता है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं ऐसा नहीं देखा कहीं तुमने? अरे लेकिन मेरे ऊपर बात करता, मैं क्या बोलूं? मैं अपने ऊपर चिल्लाऊं तो मेरे ऊपर चिल्लाएगा? तो तू इस जनरेशन का है कि नहीं? तो तू इस जनरेशन का नहीं है? तो मैं है तो मैं क्या करूं? नाचू इधर, नाचू। नाच मत, मेरे को भी नाचना आता है। शादी नहीं करनी।
लेकिन बैट बहुत बुरा हुआ ना यार, एक रन से इंडिया मैच हार गई। अरे मैं मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राहुल ईशा के प्रॉब्लम के बारे में बोलो। देख यार, या तो तू रो ले या तो बोल ले, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है तू यार। ए सुन, ए बचपन तो गुजरा है आप दोनों के झगड़े सुनकर। माया, 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 माया। मैं आ रहा हूँ। शादी किस नाम के लिए? मेरा बचपन जिम्मेदार है। प्लीज 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 प्लीज, मैं शादी के खिलाफ, मैं शादी के खिलाफ, शादी के खिलाफ। बरसों से हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, आज पहली बार हार गए एक साथ। गलत हम थे, हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। वो लड़की बहुत चाहती है राहुल को। राहुल की खातिर हमें बदलना होगा, मुश्किल काम नहीं है। अरे मामा जी, ये हमारे लड़ते झगड़ते घर को किसकी नजर लग गई? एक सेकंड के लगा कि मैं तो अपने घर पे ही नहीं हूं। अब इस उम्र में मुझे बेघर करेंगे ये लोग। राहुल, दरअसल इन दोनों को ये एहसास हो गया है कि ये लोग गलती पर हैं। दोनों बदलेंगे रातों रात, अचानक इस उम्र में यू टर्न लेंगे। अब आप बताओ, चाहे कोई कितना भी चाले, अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरे हैं उन्हें कोई फिर से जोड़ सकता है? नहीं ना। बस मामा जी, हमारे घर की हालत भी वैसे ही है। कह दो इनसे कि झगड़ा कर ले और आराम से सो जाए। ये हर बात काटता है, भांजा है कि पतंग का मांजा। ईशा सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा अवॉइड करना, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हें कुछ समझाना है। पूछोगे नहीं कि इतना प्यार करने के बावजूद मैंने शादी के लिए इनकार क्यों किया? नहीं, क्यों पूछू? हाँ तुम ही कहते थे ना, क्यों, व्हाई? ईशा एक बार भी तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? तुम सुनोगे? तुम एक कायर और डरे हुए लड़के हो। तुम शादी से नहीं, अपने आप से डरते हो। और जो लोग डरते हैं ना, उनसे मैं बहुत डरती हूँ। लीव मी। ईशा लिसन टू मी। राहुल, अगर तुम यहाँ से निकलकर लेफ्ट लोगे ना, तो दुनिया शुरू होती है और वहां तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिलेगी जो तुम्हारे टाइप की है। ईशा लिसन टू मी नाउ। राहुल, दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी ईशा। थैंक गॉड, कम से कम तुम्हें किसी के दर्द का एहसास तो हुआ। हाय बेबी, डू यू वांट मी? मैं तैयार हूँ। गेट लॉस्ट। Get lost? Stop it! मुझे ये सब राहुल, stop it! मेरी गर्दन को छेड़ता है? राहुल तुम होते कौन हो मुझे बचाने वाले? राहुल स्टॉप इट, राहुल तुम होते कौन हो मुझे बचाने वाले? किसी ने कुछ कहा तो कहा, तुम्हें क्यों बुरा लगा? लगते क्या हो तुम मेरे? मैं तुमसे जितना प्यार करती थी, आज उससे ज्यादा मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ। आई स्टार्ट टू हेट यू राहुल, HATE इन कैपिटल लेटर्स। ईशा नो योर देयर। हेलो,
ईशा कम ऑन बात करो मुझसे। हाय, इस वक्त मैं घर पर नहीं हूँ, इसलिए आप अपना नाम नंबर और मैसेज बीप के बाद छोड़ दीजिए। मैं जानता हूँ आंसरिंग मशीन ही तुम बात कर रही हो। क्या हुआ ईशा? जिसने रिश्ता काटा वो आज फोन काटने से दुखी हो रहा है। ईशा, ईशा तुम देखो। आपको क्या लगा मम्मी कि मैं रो रही हूँ? बिल्कुल नहीं, आपकी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ईशा आ जाओ ना बाहर। भीग रहा हूं, गिरो रहा हूं, मुझे नहीं पता सच। तन्हाई, आंसू, उदासी, बात है जरा सी और तुम इतनी खफा सी। आंखें मीचे दूर रहे ना तो उसे आंख मिचोली कहते हैं। जुदाई नहीं स्टूपिड। हवाओं में अब तो किस करता हूं, हर तरफ तुझको मिस करता हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता? हाँ, एक्चुअली बात तो वही है। पता है ईशा, ये बारिश नहीं है, ये तो आसमान मुझे यूं ही कंपनी दे रहा है। कम ऑन ईशा, मुझे मानती हो अपना तो मान जाओ ना। मुझसे इंतजार क्या करवाओगी, मैं तुमसे दूर था ही कब। ये क्या पागलपन है? मैंने क्या किया? बारिश तो मैंने नहीं की ना, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आया था। भीग के बीमार पड़ोगे? मर भी जाऊं तुम्हें क्या? राहुल मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। समझना क्यों है, सिर्फ प्यार करो। उसके बाद और प्यार। उसके बाद और प्यार। उसके बाद सिर्फ प्यार। नमस्ते, आइए। भगत यूं गेट लूं ऊंची ऊंचे। नमस्ते नमस्ते सुधा भाभी। ये आपको लेने नहीं आए? आ रहे हैं ना पाछल जी। आइए आइए। फ्लाइट वक्त पर थी? हाँ। एकदम बैठा ना उड़ी। बैठा ना उड़ी। जब से वो दुनिया भर में टेररिस्ट लोगों का टेंशन बढ़ गया है ना, तो पायलट लोगों ने सोचा है कि वो हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दे, इससे पहले हम डेस्टिनेशन पे पहुंचाते। सच्ची बात है ना? बस रे कंट्रोल। आमा पन कंट्रोल। आंटी ऐशा नहीं दिखाई दे रही। रसिक चाल ने हवे। सुधा तुम भी बातों में लगी, चलो ना भाई। अरे कहाँ लेकर आ गई हो मुझे? दिमाग के डॉक्टर के पास। तो मिलकर आओ, मैं बैठा हूँ। स्टूपिड, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे दिमाग को समझेगा और समझाएगा भी। मुझे कोई नहीं बता सकता। चैलेंज। अच्छा शादी के लिए डरता है? ये क्या प्रॉब्लम है यार? लॉजिकल है, पैथोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सब क्रोनोलॉजिकली बताओ। सच कहूं? कभी कभी ऐसा लगता है कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी मुझे उठा के ले जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक कुत्ता हूँ, स्ट्रे डॉग। कब से? जब से मैं एक छोटा सा पिल्ला था तब से। पिल्ला कुत्ता? अरे शादी की बात करो ना। हम कुत्तों की कभी शादी होती है क्या? एक बार नहीं बार बार होती है। आपकी कितनी बार हुई है? दो बार। हाउ हाउ, हमारी बातों में कुत्ता पिल्ला कहाँ से आ गया? हाउ हाउ, ये सब बातें छोड़ो, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और मेरे सवाल के जवाब ठीक ठीक दो। डार्लिंग बिंदु, यस सर, लाइट्स ऑफ करो सबके सामने। बिंदु पेशेंट की लाइट ऑन करो। ओके सर। जो मैं कुछ बोलता हूँ उसके लास्ट दो शब्द रिपीट करो, दोहराते रहो दोहराते रहो दोहराते रहो। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। बोलो शादी क्यों नहीं करनी? नहीं करनी नहीं करनी। करनी है बोलो। ओह माय गॉड आई एम कंफ्यूज्ड। अब तुम यह देखो डॉक्टर, ये लाल लाल क्या है? इस बिंदु को देखकर कहो कि तुम्हारी शादी टूट चुकी है। टूट चुकी है टूट चुकी है टूट चुकी है। प्लीज ये बिंदु को हटाओ। यू चीटर। यस, तुम्हारा और इस बिंदु का लफड़ा प्यार तुम्हारी बीवी को पता है। पता है पता है। प्लीज ये बिंदु को हटाओ। मैं मैन हो जाऊंगा। मुझे भी लाइफ स्टार्ट आएंगे। यू चीटर। शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो, मरो लेकिन मुझे बर्बाद नहीं करो। मेरे बाप का क्या जाता है? बेचारा मुझे समझा रहा था शादी के बारे में। मेरा पूरा प्लान फ्लॉप करा दिया तुमने, अब कैसे समझाऊं तुम्हें? ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ मेरे बारे में। हमारे बारे में। कब तक हुँ? कब तक जिंदगी की सच्चाइयों से आंख में चोली खेलते रहेंगे हम? राहुल
मुझे लगा कि तुम मुझसे दूर रहकर समझोगे, लेकिन साफ साफ बताओ क्या सोचा है तुमने शादी के बारे में। ईशा, यूरोप में, अमेरिका में ऐसे कई कपल्स हैं जिन्होंने शादी नहीं की, दे जस्ट लिव हैप्पीली, साथ रहते हैं। आई मीन साथ रहो जियो, लेकिन लेकिन राहुल, शादी मेरे लिए कोई छोटी मोटी अरेंजमेंट नहीं है, शादी एक जीवन भर का रिश्ता है। कम ऑन ईशा, तो इस रिश्ते में कमी क्या है, प्यार की नहीं, साथ की नहीं, बल्कि इस रिश्ते में तो एक हेल्थी फासला है, स्पेस है, आजादी है। अच्छा, और क्या नाम दोगे इस रिश्ते का? सिर्फ दोस्ती, सिर्फ प्यार, अ लिव इन रिलेशनशिप। और आगे? और आगे क्या, बस यूं ही हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे ना ईशा। आई लव यू, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? ये कैसा प्यार है तुम्हारा राहुल, तुम मुझसे प्यार भी करते हो और चाहते हो कि मैं जिंदगी भर अधूरी रहूं, कभी मां ना बनूं। राहुल, ये सब इस रिश्ते में नहीं हो सकता है। ईशा, किस जमाने में हो तुम? तुम अभी भी एक टिपिकल इंडियन लड़की हो, वही चांद की पूजा, वही भूखा रहना, ग्रो अप। हाँ राहुल, हम इंडियन लड़कियां अपने प्यार के लिए आसमान में रहने वाले चांद तक की पूजा करते हैं, और तुम तो एक छत के नीचे रहने वाले से एक रिश्ता तक जोड़ने से डरते हो। यस, और उसी आसमान के नीचे, चांद के नीचे और छत के नीचे एक घर होता है, और मैंने उस घर को अपने ही घर में कई बार टूटते हुए देखा है। एक बार के लिए तो मेरी बात समझो कि मैं शादी से क्यों इनकार करता हूं। समझ गई, तुमने तो कभी प्यार पाया ही नहीं ना अपने घर में, और जिसने कभी प्यार पाया ही नहीं वो दूसरे को क्या प्यार देगा। राहुल, अगर शादी के बारे में अभी भी तुम्हारे यही विचार है ना, तो फिर आज के बाद मिलना मत मुझे, बस सब खत्म, तुम्हारी और मेरी जिंदगी अलग है। और फिर ये मत पूछना क्यों, बाय। ईशा, तुम बाहर आते हो कि नहीं, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा घर के अंदर। ईशा, मैं अभी आया। अरे राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे रोको इसे। सॉरी, ब्रेक नहीं लग रही थी इसलिए यहां तक आ गया। तो ब्रेक लगाओ और खुद को भी ब्रेक लगाओ। तुम ईशा से क्यों मिले? रोमांस करने, प्यार करने। बहुत हो चुकी बकवास, समझे? ईशा को भी यही बता देना। एक बात सांभर, तू ईशा को बहुत चाहता है ना, तू शादी क्यों नहीं करता उससे? बताता हूँ, I'll tell you। ये कुत्ता आपका है ना? हाँ। ये आपको बहुत चाहता है ना? और आप भी इसे बहुत चाहते हैं। देखो ना, फिर भी आपने इसे शादी नहीं की। Why? क्यों? इसके नाम के आगे आपका सरनेम तो नहीं है, जैसे कि रॉकी मल्होत्रा या फिर मोती पटेल? मोती पटेल मेरे बाप का नाम है। और सॉरी सॉरी सॉरी, कुत्ते से सॉरी बोल रहा है? मेरा बाप कुत्ते से भी बदतर है क्या? जरा सोचिए, आप इस कुत्ते को चाहते हो ना, फिर भी आपने इसको मंगलसूत्र तो नहीं पहनाया, शादी का सर्टिफिकेट तो नहीं बनवाया, क्योंकि प्यार है तो रिश्ता है, और रिश्ता है तो वफादारी है, और है तो है, तो इसमें तो हंगामा क्यों? अरे बाप रे, सुजनरेशन छे आज नी मैड, तद्दन पागल। हाँ मैं पागल हूँ, और मुझसे उलझना मत, वरना मैं सबको पागल कर दूंगा। बाय गुज्जू भाई। ये लड़के को ठीक करना इम्पॉसिबल बात छे, आज कुत्ते के पीछे पड़ा है, कल सर्कस में से शेर उठा के लाएगा, और वो जानवर बचाओ समिति वाले अपने पीछे पड़ेंगे। मारी बात सांभ, जितना जल्दी हो सके है ने ऐसा का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर डालो। रसिक यार, तुझसे अच्छा घर और कौन सा हो सकता है? ऐशा बहुत अच्छी लड़की है दोस्त। ये भी कोई कहने की बात है, मने शर्मिंदा मत करो। गो अहेड। लेकिन ऐशा तो राहुल को चाहती है, क्या वो इस शादी के लिए हाँ कहेगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो,
वो नादान है, मैं उसे समझा लूंगा। लेकिन अमित, तुम्हें यह फैसला खुद करना होगा। हम नहीं चाहते कि फैसला तुम किसी के भी दबाव में करो। देखिए अंकल, आई रिस्पेक्ट यू, और हाँ मैं ऐशा को चाहता हूँ हमेशा से, लेकिन अगर ऐशा अपनी मर्जी से हाँ कहे तो ही मैं तैयार हूँ। ले आ, बात पती गई ने। वेरी गुड एम, गुड टाइमिंग, निशाना अच्छा लगा लेते हो। देखो राहुल, अब तुम्हारा ऐशा से मिलना ठीक नहीं है। क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है या ऐशा को? तुम जानते हो ना कि ऐशा की शादी तय हो चुकी है, उसके डैडी ने आके प्रपोज किया और मैंने। तो ऐशा के डैडी से शादी कर लो, ऐशा के पीछे क्यों पड़े हो? क्या चाहते हो तुम कि मैं तुमसे आकर पूछूं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करूं या नहीं? वो प्यार मुझे करती है और ये तुम जानते हो। जस्ट थिंक राहुल, अगर मैं शादी के लिए हाँ नहीं करता तो उसके घर वाले उसकी शादी कैसे लड़के के साथ कर देते जिसे वो प्यार तो क्या जानती तक नहीं। कम से कम मैं उसे प्यार तो करता हूँ, या फिर वो मेरे साथ खुश रहेगी, इस बात से तुम खुश नहीं हो। अमित, तुम ऐशा से शादी नहीं कर सकते। स्टॉप दिस इमोशनल ब्लैकमेल। तुम ऐशा से शादी नहीं करना चाहते इसकी तुमने 100 वजह बता दी, लेकिन मैं ऐशा के साथ शादी क्यों ना करूं इसकी सिर्फ एक वजह बता दो, मैं ये शादी नहीं करूंगा। और हाँ, आर यू श्योर कि ऐशा तुम्हें अभी चाहती है? जस्ट चेक इट बड़ी। ऐशा, राहुल, राहुल रुक जा। ऐशा, बाहर आओ तुम। ऐशा, बुलाओ पुलिस को, पुलिस को नहीं आर्मी को बुलाओ। कम ऑन ऐशा, कम ऑन। राहुल, राहुल, क्या कर रहे हो? राहुल, पागल हो गया क्या? स्टॉप इट राहुल, बोलो ये सब क्या है? तुम चाहते हो कि नहीं मुझे? क्या कर रहे हो? यू लव मी एंड नाउ, तुम क्या कर रहे हो? बोलो तुम चाहते हो कि नहीं मुझे? मुझे जवाब चाहिए ऐशा। स्टॉप इट राहुल, यू लव मी एंड नाउ। तुम जा रहे हो राहुल? राहुल क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? राहुल स्टॉप इट। आप क्यों रुक गए? आप अपनी पूजा कीजिए। क्या आप अपनी पूजा कर रहे हैं और हम अपनी? राहुल, स्टॉप इट राहुल, राहुल। ये हाथ नहीं हटेगा जब तक तुम नहीं कहोगी कि तुम मुझे प्यार करती हो कि नहीं। राहुल तुम जल रहे हो। चल तो हम दोनों रहे हैं। राहुल बस करो प्लीज। टेल मी, डू यू लव मी और नॉट? बस बहुत हो गया, बंद करो तमाशा। जाता है यहाँ से या जेल भिजवा दो। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। Stop it, please stop it, पापा। I love him, 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 I love him. I love your smile.
क्या करें, बहुत प्रॉब्लम है यार। जिस मकसद के लिए हम यहां जमा हुए हैं उसका इंसानियत से बहुत गहरा ताल्लुक है। हमें भूख लगे और हम खाना खाएं, उसे प्रकृति कहते हैं, इट इज नेचुरल। दूसरों का खाना अगर हम छीन कर खाएं तो उसे विकृति कहते हैं, परवर्श। और अगर हम भूखे रहें और दूसरों को खाना खिलाएं तो वह संस्कृति है, इट्स कल्चर। डोनेट ब्लड। वाह सिद्धार्थ जायसवाल, डबल स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड मिसाल। ये यहाँ संस्कारों की बात कर रहे हैं और इनका बेटा हमारे घर में संस्कारों की धज्जियां उड़ा रहा है। मैं घर जाकर राहुल से बात कर लूंगा। अभी भी तुम इस लफंगे से बात करना चाहते हो जायसवाल? समाज सेवक, वो मेरी बेटी के साथ बिना शादी के रहना चाहता है। एटले सू एडल्ट्री ये विचार तो क्या ये मौका है इसका? I said get out! क्यों? किस लिए? मैं लड़की का बाप हूं, इसलिए चुपचाप सुनता रहा हूं? हर किस नहीं, हाथ मत लगाइए। अगर आपका बेटा इनकी बेटी ऐसा के साथ शादी नहीं कर सकता तो ये जो आपके साथ विराजमान हुई है वो आपकी कौन लगती है? मंच पर खड़े होकर संस्कारों का लेक्चर देना आसान है जायसवाल, औलाद को संस्कार देने के लिए खुद में संस्कार चाहिए। ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं, लेकिन जाके अपने बेटे से कहिए कि इसके बाद अगर इनकी बेटी से मिलने की कोशिश की तो उसे इसी ब्लड बैंक की मदद लेनी पड़ेगी। क्या काम? तेरे राहुल की लाश पहुंचेगी घर में, याद रखना। मेरे बेटे को हाथ लगा तो याद रखना। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर,
मम्मी क्या हुआ पापा को? बताओ ना मुझे। घर में खाना रखा है, जाके खा लेना। मम्मी बात तो करो मुझसे। क्या बात करूं मैं तुमसे? जो बात तुम घर के अंदर करते थे, ऐशा के डैडी ने वही बात सबके सामने कही। बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा है हमारे सम्मान पर। ये सदमा तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और देखो उनकी क्या हालत हो गई है। तो ऐशा के डैड ने सब किया? हाँ ओके। राहुल कहीं नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे तुम। आज तुम्हारे पापा की हालत किसी और की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुई है। कभी तुमने सोचा है कौन से रिश्ते ने हमको बांध कर रखा है? वो तुम हो तुम। आज तुम्हारे पापा को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। और एक बात याद रखो राहुल, वो तुम्हारे पिता बाद में पहले मेरे पति हैं। अरे ऐशा हमसे तो बात कर, ऐशा हमसे तो बात कर। ला मैं बात करता हूँ। ला कट कर दिया। क्या होगा यार राहुल और ऐशा की शादी का? अरे क्या होगा क्या यार, शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं। और ऐसे ही सारे लोगों ने शादी करना बंद कर दिया, फिर कौन शादी करेगा? शादी कोई नहीं करेगा तो बच्चे कहाँ से होंगे? बच्चे नहीं होंगे तो बच्चे बड़े कैसे होंगे? बच्चे बड़े नहीं होंगे तो उनकी शादी नहीं होगी, और उनकी शादी नहीं। अरे तू इतना लंबा क्यों सोच रहा है यार? लंबा नहीं सोचू तो क्या करूं? मेरा बाप शादी का कॉन्ट्रैक्टर है। शादी का मंडप, शादी का केटरिंग। तू हमेशा मेरे को पूछता था ना कॉलेज के बाद में कहाँ जाता था। मैं शादी में बैंड बजाने जाता था, बैंड बजाने, पेट के लिए बैंड बजाने जाता था। राहुल जैसे लोगों ने हमारे फैमिली बिजनेस की बैंड बजा दी। इस तरह लोगों ने बारात निकालना बंद की तो हमारी आरती निकलेगी। आरती निकले राहुल। अरे वाह यार, फिर तो हमारी निकल पड़ी। क्यों? हमारा आरती का बिजनेस है ना। हाँ मटका लकड़ा सब कुछ सप्लाई करते हैं, यह मोनोपोली है यार। अच्छा एक बात बता, तेरे डैडी की तबीयत आजकल कैसी रहती है? डैडी की तबीयत, डैडी की तबीयत, डैडी की। अरे यार सुन, अरे मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा ना यार। अरे तू अपने दोस्त से, अरे सबको एक दिन जाना यार, मेरी बात सुन। अरे यार भड़कता क्या है? अरे ईशा, ईशा बस इनफ इज इनफ, अब सोचना बंद कर प्लीज। मम्मी मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तुझे क्या लगता है हम समझते नहीं तेरी हालत? दुश्मन है तेरे, तू क्यों इतना क्यों उसे तंग कर रही? चौपे पापा, गलती मेरी है, अब मम्मी पर क्यों हाथ उठा रहे हो? क्यों? जब माँ को दुख पहुंचा तो तुम्हें दर्द हुआ ना? हुआ ना? इसी तरह जब तुम्हें दुख होता है तो हमें दर्द होता है। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम दिन रात गुमसुम पड़ी रहती हो, सिसकती रहती हो, हमें तकलीफ नहीं पहुंचेगी। जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो क्या हमारी बेटी सारी जिंदगी ऐसे रो रो के गुजार देगी? नहीं बेटे, भुला दो उसे। जिंदगी सिसक सिसक कर जान देने का नाम नहीं है। अमित तुम्हारे बचपन का दोस्त है, वो तुमसे खुशी से शादी करना चाहता है। Get on with life, बेटे। Get on. पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं? आप जो बोलेंगे मैं वो ही करूंगी। ओके बस बस खा लो ना, लास्ट है बाबा मेरे लिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। एक्चुअली मैं जी कुछ कहा आपने? दरअसल
हम कुछ लेंगे आप? अरे नहीं नहीं, क्या है कि हम कुछ ना ये लौटाने के लिए आए थे जी। ये कुछ चीजें, कुछ गिफ्ट्स राहुल ने दी थी ऐशा को, तो हमने सोचा वो इसकी क्या जरूरत थी, रहने दिया होता। ऐशा की शादी तय की है ना, तो सोचा कि सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड हो गया, तो हमने सोचा ये पुरानी चीजें अगर उसके पास रही तो मतलब ऐशा अब जी फैमिली फ्रेंड का लड़का है, ऐशा बचपन से जानती है उसे। इसका मतलब ऐशा अब बड़ी प्यारी लड़की है, एक बार देख सकता हूँ उसे जी अब? हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो बाहर ही खड़ी है, शर्मा रही है। ऐशा कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, तुम कैसी हो? बहुत दुख दिया ना हमने तुम्हें। वैसे दो दिन के बाद अच्छा दिन निकला है, तो हमने वैसे वो लड़का करता क्या है? MBA है। वैसे आपका लड़का भी कहाँ बुरा है। हमने तो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप, कुछ तो लेके जाइए। हाँ फिर कभी। अगर आप कहिए तो एक बार I know it's too late. Siddharth sir, look after yourself. चले, बेटी को आशीर्वाद नहीं देंगी? क्या कहूं मैं, इस घर में ना से जिस घर में रहोगी सुखी रहोगी, यही मेरा आशीर्वाद है। थक जाओगे बेटी, सो जाओ, कल मेहंदी की रस्म है। आम ओके। पापा आप ही ने कहा था ना कि लाइफ में जो भी सामने आ जाए उसे जल्दी से अपना लो तो अच्छा है। कोशिश कर रही हूँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली पापा मैंने प्यार करके गलती की ना। हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और ही जाता है अचानक। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस बेटी। पापा ये क्या बारिश है ना, सरप्राइज। इस महीने में कभी बारिश नहीं होती, आज तक नहीं हुई। आज तक आपने कभी मुझे विदा भी तो नहीं किया। पापा आप यही सोच रहे ना कि सारा मंडप भीग जाएगा, सारी तैयारियां खराब हो जाएगी। सोच रहा हूं ये लम्हा, ये बारिश मुझे पूरी जिंदगी भिगोती रहेगी। टिको ऐशा, राहुल
तुम यहाँ? कमा निशा, मैं शहर छोड़कर बैंगलोर जा रहा हूँ। जाओ यहाँ से। लिसन ईशा, अगर तुम यहाँ रहोगी ना तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें शादी के बंधन में बांधने के लिए मजबूर कर लेंगे, और मैं जानता हूं कि तुम ये नहीं चाहती। चलो कम ऑन, हम एक नई दुनिया बसाएंगे, और अगर 4-5 साल बाद लगे कि हमेशा साथ रह पाएंगे देन इट्स ओके, हम सोचेंगे। कम ऑन लेट्स गो, इन सबसे दूर हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। तो खुद जाएगा या मैं तुझे छोड़ के आऊं? तुम्हें नहीं, ईशा को पूछ रहा था जाने के लिए। विशु, छोड़ दो उसे, कोई किसी को नहीं रोकेगा। ईशा, तुम्हारी जिंदगी है, आज फैसला भी खुद ही करो, हम में से कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। रुक क्यों गई? सॉरी राहुल, मेरी हद यहीं तक है, मैं इस दहलीज को पार नहीं कर सकती। क्या करूं, परंपरा, संस्कार, तुम जो भी नाम दो, मुझे इजाजत नहीं देते। अगर तुम्हें मुझे इसे आगे ले जाना है ना, तो साथ फेरे लेने होंगे और मंगलसूत्र भी डालना होगा। डर गई दुनिया से? मेरी दुनिया मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली है, उन्हें दुखी करके मुझे सुखी नहीं होना है। याद है राहुल, मैंने कहा था एक बार कि पति पत्नी शादी के वक्त अपने साथ कस्में खाते हैं, सप्तपति, उसमें हम अपनी कस्में लिखेंगे दिल से, कहा था ना? मैंने अपनी 3 कस्में सोच लिया, तुम भी अपनी कस्में सोच कर ले आना, एज अ गिफ्ट, तोहफा। हम शादी भले ना करें पर हम दोस्त तो हैं ही। शादी का तोहफा मुझे दोगे ना? मैं इंतजार करूंगी। ओके ठीक है। राहुल घर पर नहीं है, ये चिट्ठी छोड़कर गया है। पापा मम्मी, मैं ये शहर छोड़कर दूर जा रहा हूँ, ईशा की शादी इसी शहर में किसी और के साथ हो रही हो और मैं उसे चुपचाप देखता रहूं, उतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता नहीं, मुझे ढूंढेगा मत, मैं आपके साथ था ही कब, आपका राहुल। कहाँ होगा मेरा बेटा? जहाँ भी होगा उसे लौट कर आना ही पड़ेगा, अगर उसका प्यार सच्चा है। अगर वो खुद नहीं आएगा तो कुदरत खींच के ले आएगी उसे सच्चे प्यार के पास। अब मुझे जिंदगी को हंसते हुए अपनाना है, हर हाल में, मेरे लिए, हम सब के लिए।
चिट्ठी रोके तेरा दामन, मेहंदी हल्दी बिंदिया का जल बदले तेरा जीवन। Your boarding pass? Have a nice flight. ये क्या बदतमीजी है? तुमने कभी किसी से प्यार किया? What? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत बीमार है वो। आप किसकी बातें कर रहे हैं? मेरी वाइफ, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ है वो। 5 साल का प्यार और 7 साल की शादी। मेरी कविता, मैं मर जाऊंगा उसके बाद। बैंगलोर हॉस्पिटल आखिरी सांस ले रही है वो। मेरा बैंगलोर जाना बहुत जरूरी है, प्लीज ये टिकट मुझे दे दो, प्लीज प्लीज डू समथिंग। लेकिन अभी मुझे भी तो, तुम मेरी टिकट लेकर अगली फ्लाइट से चले जाओ, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी टिकट दे दो प्लीज। देखो मुझे नहीं पता ये प्यार ये रिश्ते तुम समझ पाओगे, लेकिन मेरी कविता, मेरी शादी, मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ। दो जिंदगियां एक हो जाती है शादी में, दो जिंदगियां एक हो जाती है शादी में। तुम्हारे कहां पर मेरा सब कुछ निर्भर, एक हाँ पर प्लीज मान जो ना यार, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, ये टिकट मुझे दे दो, मेरा बैंगलोर जाना बहुत जरूरी, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज आप इस टिकट पर जा सकते हैं, मेरा क्या है, आप जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्त मुझे नहीं पता तुमने कभी जिंदगी में किसी से प्यार किया नहीं किया, लेकिन तुम जो कुछ भी चाहते हो ना मिल जाएगा। एक आशिक की दुआ है। एक्सक्यूज मी, यस, बैंगलोर की अगली फ्लाइट कब है? 2 घंटे बाद। 2 hours।
वो राहुल आया है, कहो तो। कन्या को बुलाइए। देर कर दी ना मैंने, कहाँ चले गए थे? ईशा मैं तो कुछ मत बोलना। देखो तुमने कहा था ना कि हम शादी के बिना साथ रहेंगे, वो बात तो गलत थी, लेकिन जिसे मैं प्यार नहीं करती उससे शादी करना तो उससे भी ज्यादा गलत बात है ना। मैं अपनी परंपरा, अपने संस्कार, सब कुछ ठुकरा कर तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। चाहे तुम शादी के लिए हाँ करो या ना करो, चाहे लोग जो भी कहे, मेरा दिल यही कहता है। ईशा सुनो, ईशा अगर तुम अपने माँ बाप, अपनी परंपरा, हमारे प्यार के खातिर छोड़ सकती हो तो मैं भी अपने ख्याल, अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार हूं। सच? यस, व्हाई नॉट। ईशा मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। आप सब मुझे माफ कीजिए, पता नहीं क्या ताकत है शादी के रिश्ते में, मैं जितना इसे दूर भाग रहा था उतना ही खींचा चलाया। मैं इससे शादी करूंगा और साथ फेरे भी लूंगा, लेकिन सिर्फ पंडित के मंत्रों के साथ नहीं, हम वो कस्में लेंगे जो हमने दिल से लिखी हैं। ईशा मैंने तो अपनी कस्में सोच ली है, तुमने क्या लिखा है? मैं क्या लिखती? आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू, हो गई रस्में पूरी। Yeah.